हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं रिग्रेशन चैप्टर के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। रिग्रेशन चैप्टर के एमसीक्यू करने से पहले मैं इस चैप्टर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि इन एमसीक्यू को समझना आसान रहेगा। देखिए सर, रिग्रेशन का चैप्टर क्या करता है, ये कोरिलेशन की मदद से हमें दो वेरिएबल की इंटरडिपेंडेंसी निकालने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही साथ उस इंटरडिपेंडेंसी की वजह से एक वेरिएबल के पता होने पे दूसरे वेरिएबल को कैसे पता किया जाता है, उसमें हमारी मदद करता है। तो रिग्रेशन का जो चैप्टर है, ये बेसिकली दो इक्वेशन पे टिका हुआ है, जिसमें पहली इक्वेशन है एक्स ऑन वाई और दूसरी इक्वेशन है वाई ऑन एक्स, ठीक है। एक्स ऑन वाई का मतलब है कि एक्स वाई पे डिपेंड करता है, एक्स डिपेंड अपॉन वाई कितना करता है वो इक्वेशन से पता चलेगा। दूसरा इसका मतलब है वाई डिपेंड अपॉन एक्स, वाई एक्स पे कितना डिपेंड करता है ये इस इक्वेशन से पता चलेगा। इसका मतलब हमें दो इक्वेशन तो बनानी ही बनानी है, ठीक है। ओके, जब हमें y और x बनानी है, मतलब y डिपेंड करता है, सॉरी x और y बनानी है कि x डिपेंड करता है y पे, तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन का इस्तेमाल किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए किया जा सकता है, टू फाइंड आउट x, x का पता लगाने के लिए, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कि x y पे कितना डिपेंड करता है, ठीक है। y और x के अंदर हम ये निकाल रहे हैं कि y x पे कितना डिपेंड करता है, तो ये निकाला जाता है टू फाइंड आउट y, ये y निकालने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, x on y x निकालने के लिए काम आती है, जबकि y on x y निकालने के लिए काम आता है, राइट। ओके, उसके बाद में हमने इक्वेशन बनाने के लिए भी आपको लिखवाया था x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई y माइनस वाई बार, ये हमारी इक्वेशन बनाने का तरीका होता है। जबकि यहाँ पे हम लिखते हैं y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, राइट। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इस पे एमसीक्यू आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इन दोनों को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कॉफिशियंट, राइट। इन दोनों की मदद से हम निकाल सकते हैं आर, जिसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, आर फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, ये अंडर रूट करने की हमारी जो प्रोसेस है, क्या हम इसे ज्योमेट्रिक मीन बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कॉफिशेंट, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मैं अंडर रूट करता हूं, अगर दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मैं अंडर रूट करता हूं, तो उसका मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसे भी मैं ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकता हूँ। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करके जब हम आर निकालते हैं, तो बेसिकली हम कौन से मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन का। ओके, चलिए लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए सर, ये जो है ना आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, इन तीनों के सेम साइन होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। इन तीनों के सेम साइन होते हैं, सेम साइन होने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, ठीक है। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये फिगर अगर नेगेटिव है, सपोज है ना, ये 0.45 है नेगेटिव का और ये फिगर पॉइंट प्लस में है 0.45, तो भैया फिर तो अंडर रूट होगा कैसे, फिर तो अंडर रूट होगा कैसे, क्यों, क्योंकि हमने पता है कि नेगेटिव फिगर का अंडर रूट नहीं होता है, राइट। तो इसलिए या तो ये दोनों नेगेटिव होगी, ठीक है, और या ये दोनों पॉजिटिव होगी, तो रिग्रेशन जो कोफिशिएंट है ये दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर भी क्या हो जाएगा,
नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां पे आपके दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है कि सर ऐसे कैसे नेगेटिव हो जाएगा, अगर हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो प्लस हो जाएगा ना। आपके मन में क्या आएगा कि सर मान लीजिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, हम दोनों ने इसको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो तो प्लस हो जाएगा, समझ गए। तो मैथमेटिकली ठीक है आपकी बात सही है, पर थोरिटिकली जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से ये माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सोचो अगर ऐसा होता तो फिर तो आर कभी माइनस आ ही नहीं सकता, समझ पा रहे हो। अगर ऐसा होता फिर तो आर कभी माइनस आ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि हमें पता है साइन तो सेम होने, तो साइन तो प्लस माइनस हो नहीं सकते, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। अगर दोनों प्लस होने पे भी आर प्लस आता है और दोनों माइनस होने पे भी आर प्लस आता है फिर तो आर कभी माइनस आ ही नहीं पाएगा। तो आपको याद रखना है, ये चीज याद रखनी है कि इन सब के साइंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इन सब के साइन क्या होते हैं? सेम होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो बेटा आगे बात समझ में, अब बता दो एक बार यहां तक, फिर क्वेश्चन करने की तरफ चलते हैं। ओके चलो तो चल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लाइन एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई रिप्रेजेंट्स द रिग्रेशन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन, ठीक है। देखिए एक मेथड और होता है विच इज कॉल्ड लीएस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं लीएस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इस मेथड में इन दोनों इक्वेशन को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मैं वो लिख देता हूँ। देखो इस इक्वेशन को बोलते हैं, ये क्या निकालने के काम आ रही है इक्वेशन, एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और जबकि इसको बोलते हैं वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इस लीएस्ट स्क्वायर मेथड में इन इक्वेशन को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, जहां पे एक्स तो एक्स है, बी क्या है कोई बता सकता है? बी क्या है? तो सर बी है बी एक्स वाई, यहां पे बी का मतलब क्या है? बी एक्स वाई। और यहां पे बी का मतलब क्या है? बी वाई एक्स। तो चीज तो सेम ही हुई, समझ पा रहे हो, चीज तो सेम ही हुई ना, कि y के साथ जो है वो बी एक्स वाई है, x के साथ जो है वो बी वाई एक्स है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। ओके बात वही है, हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनती है जो मैंने आपको सोल्व करवाया था, कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो फाइनल इक्वेशन भी ऐसी ही बनती है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई और वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, राइट। और लीस्ट स्क्वायर मेथड से बनाएंगे तो भी ऐसी बनेगी। ओके तो अब बताइए फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देख के कि सर ये कौन सी इक्वेशन बना रहा है। एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन एक्स फाइंड आउट करने के लिए काम आ रही है। तो ये है एक्स ऑन वाई, राइट। जो इक्वेशन एक्स फाइंड आउट करने के लिए काम आ रही है वो इक्वेशन कौन सी है? एक्स ऑन वाई। बोलिए क्लियर है, बोलते जाइएगा, हर क्वेश्चन के बाद जवाब जरूरी है। ठीक है दूसरे क्वेश्चन पे आइए। द इक्वेशन वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स रिप्रेजेंट, ये उसका रिवर्स है, ये क्या निकालने के लिए काम आ रही है क्वेश्चन बताइए जी, वाई निकालने के लिए। तो वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स कौन सी इक्वेशन है? क्या ये वाई ऑन एक्स है? बिल्कुल सर, ये तो वाई ऑन एक्स ही है, ठीक है। तो इट्स एक्स ऑन वाई और इट्स वाई ऑन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आगे आ जाइए सर, द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर जीरो इफ आर इज इक्वल टू, बताइए रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये जीरो होंगे जब आर कितना होगा। तो भैया हमें ये पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करने पे आर आता है, ठीक है। अगर आर कितना होगा कि ये जीरो हो, तो जाहिर सी बात है ये भी आर भी जीरो ही होना चाहिए ना। अगर आर पॉजिटिव हुआ, आर की कोई वैल्यू हुई, तो इसका मतलब बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की भी कोई वैल्यू है, ठीक है, उनकी भी कोई वैल्यू है, वो जीरो थोड़ी हो सकते हैं, समझ गए। तो अगर एक वैल्यू जीरो है तो दूसरी अपने आप ही जीरो हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा जीरो। बोलिए क्लियर है, समझ गए। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मान लो
एक वैल्यू बी एक्स वाई जीरो है और बी वाई एक्स कुछ है तो मल्टीप्लाई करते हैं वो भी जीरो हो जाएगी, समझ गए? तो या तो ये दोनों ही वैल्यू जीरो नहीं है तब तो आर की वैल्यू निकलेगी, या ये दोनों ही वैल्यू में जीरो हो जाएगा तब आर की वैल्यू जीरो होगी। तो आर को जीरो करने के लिए इनका जीरो होना जरूरी है, ठीक है, या इनको जीरो करने के लिए आर का जीरो होना जरूरी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बोलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया? ओके आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। बी वाई एक्स इज कॉल्ड रिग्रेशन कॉफिशियंट, बता दो दी, सामने लिखा हुआ है सब कुछ, सामने लिखा हुआ है बी वाई एक्स कौन सा रिग्रेशन कॉफिशियंट है, कौन सी इक्वेशन का रिग्रेशन कॉफिशियंट है बी वाई एक्स? सर ये रहा बी वाई एक्स, देख लो आप बी वाई एक्स तो वाई ऑन एक्स पे आता है, तो लीजिए आंसर हो गया वाई ऑन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वाई एक्स जो है वो तो y on x में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बी एक्स वाई कौन से में काम आता है सर, कौन सा रिग्रेशन कॉफिशियंट है? तो सर बी एक्स वाई जो है वो x on y इक्वेशन में काम में आता है, तो ये लो जी क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो देखो जो मैंने समरी बनाई है मोस्टली क्वेश्चन वही घूम रहे हैं आसपास में, तो अगर इस समरी को आप ढंग से समझ लेंगे तो हो सकता है इसके सारे एमसीक्यू आपसे हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, बताओ जी स्लोप कितना है? देखो स्लोप का मतलब क्या है, ये हमारे ग्राफ होते हैं राइट। अब स्लोप किसी भी लाइन का कैसे हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेट हो सकता है राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रेट ऐसे ही तो होगा, यस। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके कोफिशियंट के ऊपर, अगर कोफिशियंट बड़ा है तो अपवर्ड होगा, छोटा है तो डाउनवर्ड होगा, समझ गए? तो यहाँ पे भी सेम चीज ही पूछी है कि जो स्लोप है इक्वेशन का वो किस पे डिपेंड करेगा वाई ऑन एक्स की अगर बात करें तो कौन सा होगा आप बताइए ऑप्शन, वाई ऑन एक्स तो बी वाई एक्स यही होगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट, बी वाई एक्स बी वाई एक्स, इसी से सर रिफ्लेक्ट होगा, इसी से फर्क पड़ेगा। बोलना बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई डाउट? कोई डाउट है नहीं है, चलो आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सिंस द कोरिलेशन ऑफ कोफिशियंट आर इज द, कौन सा मीन है भाई, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, आप फटाफट जवाब करो मुझे कि जो आर है वो रिग्रेशन कोफिशियंट का कौन सा मीन है। बहुत बार हम फॉर्मूला लिख चुके हैं बी एक्स वाई बी वाई एक्स इक्वल का अंडर रूट, ज्योमेट्रिक मीन है सर, बिल्कुल, किसी भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके अगर हम अंडर रूट करते हैं तो दैट इज ज्योमेट्रिक मीन राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 8, सर आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स इन तीनों के साइन कैसे होने चाहिए, ये भी मैंने अभी समरी में लिखवाया था आपको कि सर इन सब के साइन क्या होते हैं, सेम साइंस होते हैं, सबके साइंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके डन, आगे सुनिए सर, द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन मीट एट, दो रिग्रेशन लाइनें कहाँ पे मिलती है, तो ये अच्छा पॉइंट है, ये सुनिए। देखिए सर ये हमारा एक ग्राफ पेपर है एक तरीके से, इस पे रिग्रेशन लाइनें कहाँ पे मिलेगी, देखो रिग्रेशन लाइनें मिलेगी अपने ऐसे ऐसे मिलती है रिग्रेशन लाइनें, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा होता है सर, ये होता है दोनों के मीन, अगर दोनों के मीन बराबर हो जाए तो यहाँ पे ये लाइनें काटेगी, ठीक है। तो टू रिग्रेशन लाइंस रिग्रेशन मीट एट एक्स बार एंड वाई बार, दोनों के एक्स बार और वाई बार पे मीट करेगी। ओके तो आंसर हो जाएगा ए। अच्छा ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, जब ये दोनों आपस में मिल रही है काट रही है तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, क्या ये 90 डिग्री एंगल बना रही है? यस, तो ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। ओके क्वेश्चन नंबर 10, टू रिग्रेशन लाइंस को इनसाइड व्हेन, बताइए जी दो रिग्रेशन लाइन को इनसाइड कब होती है। देखो को इनसाइड होने का मतलब क्या है, बोल सकते हैं अपन सिमिलर,
कोइंसाइड होने का मतलब है सिमिलर, एक जैसी हो जाती है, ठीक है। कोइंसाइड होने का मतलब क्या है, सिमिलर एक जैसी हो जाती है, ठीक है। तो बताइए जी कब होगी दो रिग्रेशन लाइनें एक जैसी, ठीक है। देखो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी ऊपर, एक्स, रुको, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, राइट, ओके, और वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, राइट, यस। इनमें कॉमन थिंग क्या है, बी है, इनमें कॉमन बातें क्या है, बी है, राइट। ये सिमिलर तब होंगे जब इनके बीच में क्या हो, परफेक्ट कोरिलेशन हो, इनके बीच में क्या हो, परफेक्ट कोरिलेशन हो, तब जाके ये क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। अब परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, या तो प्लस वन या माइनस वन, मतलब पॉजिटिव है तो परफेक्ट वन, परफेक्ट पॉजिटिव, माइनस वन है तो परफेक्ट नेगेटिव, है तो परफेक्ट ही ना, समझ गए। तो जब इन दोनों का कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट होगा सेम प्रपोर्शन, भाई परफेक्ट का मतलब क्या है, सेम प्रपोर्शन में चेंज होना, तो जब ये सेम प्रपोर्शन में चेंज होंगे तभी तो जाके होगा कोइंसाइड, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा सी, प्लस वन या माइनस वन, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो बी है ना, बी, इसका भी ध्यान रखिएगा, अगर ये जो बी है, ठीक है, ये जो बी है इसकी वैल्यू ध्यान से सुनिएगा, अगर बी की वैल्यू मोर देन जीरो है, मोर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो आर जो होगा वो प्लस वन होगा, ये पॉइंट भी याद रखना, ये चीजें लिखने वाली हैं, ये एग्जाम में काम आएगी। अगर बी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा होने का मतलब भी क्या होता है, पॉजिटिव है, जीरो से ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका आर की वैल्यू होगी प्लस वन, ठीक है, और बी की वैल्यू लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगी माइनस वन, ये ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा हमारे, ओके। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर है, ओके, आगे आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 कह रहा है सर, इफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द रिलेशनशिप, अगर एक्स और वाई के बीच में रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है और इक्वेशन बन के आती है वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस सेवन एक्स, तो वैल्यू ऑफ आर कितनी होगी। लो अभी समझाया था, अभी क्वेश्चन आ गया, एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव प्लस सेवन एक्स, तो इसमें आर की वैल्यू बताओ। अब सर ऐसे तो आर की वैल्यू हम बता नहीं सकते ना, क्योंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होते तब तो हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल के कैलकुलेट कर देते हैं, पर यहाँ तो नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा जो अभी मैंने आपको लिखवाया था। चेक करके बताइए इस इक्वेशन के अंदर बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, जीरो से कम या ज़्यादा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सर देखिए एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वही तो बी होता है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वही तो बी होता है, राइट, और ये तो जीरो से ज्यादा है, तो इसका मतलब यहां पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस वन। आई बात समझ में, तो जैसा मैंने अभी लिखाया आपको वैसे ही इसका सॉल्यूशन हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा प्लस वन, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज लिख लेना, ये चीजें लिखने की होती है ताकि आपको बाद में काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स खुद बोला है कि वाई ऑन एक्स इक्वेशन की बात करनी है, ठीक है, वाई ऑन एक्स इक्वेशन है, ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस 50 इक्वल्स टू, तो बताइए बी वाई एक्स कितना। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन y निकालने के काम आ जाए, मतलब ये y on x में प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अभी भी ये y on x है पर प्रॉपरली नहीं है, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इस फॉर्मेट में चाहिए क्या, अगर इस फॉर्मेट में हम इसको लेके आ जाते हैं तो ये परफेक्टली y on x बन जाएगी। तो चलिए लेके आते हैं, क्या लिखा है सर, देखो लिखा है सर 2x प्लस 3y प्लस 50 इक्वल्स टू जीरो। अब हमें अगर चाहिए y के लिए तो 3y तो इधर ही रख लो,
और बाकी चीज़ें उधर लेके जाइए, तो इधर लेके जाएंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा और माइनस फिफ्टी हो जाएगा क्या? यस वाई इक्वल्स टू करूंगा तो माइनस टू एक्स अपॉन थ्री अपॉन माइनस फिफ्टी अपॉन थ्री, चेक कर लो एक बार, ऐसी ही इक्वेशन बनती है क्या? यस अब आपको रेगुलर क्लास में बताया हुआ और अभी यहां पे भी बताया मैंने कि जो वैल्यू एक्स के साथ है, जो वैल्यू एक्स के साथ है उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? बी वाई एक्स। जो वैल्यू एक्स के साथ है उसी को क्या बोलेंगे? बी वाई एक्स। तो बताइए जी बी वाई एक्स कितना? माइनस टू बाई थ्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, माइनस टू बाई थ्री। बोलना क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई भी डाउट है तो बोलिए। ऑनलाइन में नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सेम इसकी कॉपी है, आप खुद ही बता दीजिए क्या आंसर होगा। इन द लाइन ऑफ वाई इक्वल्स टू 19 माइनस, वाई इक्वल्स टू 19 माइनस 5x अपॉन 2, तो बी वाई एक्स क्या है बता दो, आप खुद ही बता दो क्या है। ए बी सी डी कौन सा लिखूं? ए बी सी डी कौन सा लिखूं? राइट सी है सर, माइनस 5/2, ये रहा, समझ गए? जो वैल्यू एक्स के साथ है वो बी वाई एक्स है सर। डन ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 35/8 माइनस 2y/5, तो बी एक्स वाई कितना है बताओ? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, ए बी सी डी बोलो क्या लगाऊं? ए बी सी डी कौन सा लगाऊं? वाई ऑन एक्स में जो एक्स के साथ है वो क्या है? बी वाई एक्स है, और एक्स ऑन वाई में जो वाई के साथ है वो क्या है? बी एक्स वाई है, तो आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल ठीक है, ये रहा। तो माइनस 2/5y, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके 15 पे आइए सर। 15 कह रहे हैं सर इफ टू रिलेशन लाइंस आर, अच्छा इसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, सुनिए। इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर एक्स प्लस 3y = 7 और 2x + 5y = 12, तो एक्स बार एंड वाई बार बताइए रेस्पेक्टिवली। पहले एक्स बार लिखना है फिर वाई बार लिखना है। ओके मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ऐसी दो इक्वेशन दे रखी है और एक्स बार वाई बार आपसे पूछा है तो क्या करेंगे हम? इनको सिमिलर नॉर्मली इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो एक्स बार होगी, जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी वो वाई बार होगी। तो चलिए मैं करवा देता हूं, ठीक है देखिए। एक्स प्लस 3y = 7, ठीक है। 2x + 5y = 12, राइट। अब सर इसको सोल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी 2x + 6y = 14, ऐसा हो जाएगा। यस इसको काट दीजिए, इसको रिड्यूस कर दीजिए तो आ जाएगा सर -y = -2, राइट। माइनस माइनस को काट दीजिए तो y = कितना बच जाएगा? 2। बोलो y की वैल्यू तो 2 आ गई, ठीक है। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कैसे सुनिए। x + 3y = 7 हमें पता है, x + 3y का मतलब हो गया 3 × 2, मैंने y की जगह 2 रख दिया है और आंसर 7। नाउ x = 7 - 6, तो ये आ गया 1। तो लीजिए y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 1। हमें पहले पूछा था x बार, क्या पूछा था? x बार, तो ये है सर x बार 1 और y बार है 2, तो ये आंसर हो जाएगा 1 2, ऑप्शन हो जाएगा बी 1 और 2। बोलिए क्लियर है 1 और 2। बोलो बेटा क्लियर है ये 15 नंबर क्वेश्चन।
बड़ा क्वेश्चन था, मतलब ऐसा थोड़ा सा ठीक था तो देखा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 कह रहा है सर, आउट ऑफ द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन गिवन बाय एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर एंड टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, द रिग्रेशन लाइंस ऑन एक्स ऑन वाई बताओ। ये लो जी, दो इक्वेशन दे रखी है और हमें बोला है कि इन दोनों में से एक्स ऑन वाई कौन सा है ये आपको बताना है। तो सर ये तो हमें भी नहीं पता कौन सा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है? आपको बताया हुआ है मैंने कि ऐसी सिचुएशन में हमें अजम्पशन लेनी पड़ेगी और निकाल के देखना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ेगा, मतलब निकाल के हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई आती है और कौन सी वाई ऑन एक्स आती है। तो चलिए कर लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं कहाँ दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, मैंने अज्यूम कर लिया एक बार के लिए कि सर ये जो इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर, ये मैंने मान लिया कि एक्स ऑन वाई है, जबकि टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ये मैंने मान लिया वाई ऑन एक्स है। ठीक है, अब क्या बताया था आपको कि पहले इनको इनके असली रूप में लेके आओ। ठीक है, तो कैसे, एक्स की इक्वेशन को ऐसे डिजाइन करो, एक्स की इक्वेशन को ऐसे डिजाइन करो कि वो एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई के फॉर्मेट में आ जाए। तो सर एक्स अपनी जगह रखो, फोर अपनी जगह रखो, टू वाई को उधर ले जाओ, तो ये आ गया टू वाई, राइट? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाइए सर, इधर इक्वेशन बनानी है वाई के लिए, तो थ्री वाई को तो इधर रखिए, टू एक्स को उधर ले जाइए और फाइव को भी उधर ले जाइए, डन? ओके, अब वाई इक्वल्स टू माइनस टू एक्स अपॉन थ्री प्लस फाइव अपॉन थ्री, राइट? सही है? ओके, नाउ अब इस इक्वेशन को देख के आपको और कन्वर्ट कर दीजिए, इसको कितना आता है बताना, 0.67, 0.67 एक्स प्लस 1.67, राइट? अब इन दोनों इक्वेशन में आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है बताओ, इन दोनों इक्वेशन में आपको ढूंढना है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कितना है। तो बताइए जी, बी एक्स वाई कितना है, -2, और जबकि यहाँ पे बी वाई एक्स कितना है, 0.67, वो भी माइनस का, राइट? चेक करो और बताओ सही है क्या। हाँ सर, अब इन दोनों की मदद से आर निकाल दीजिए, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का अंडर रूट, तो -2 -0.67 का अंडर रूट, बताना एक बार कितना आता है, चेक करो और बताओ भाई कितना आता है। बोलिए, चेक करिए और बताइए कितना आता है। सर ये आता है 1.157, राइट? अब जब अगर ये इतना आंसर आ रहा है तो बताइए क्या आर कभी प्लस वन से ज्यादा, ठीक है, आर जो है वो कभी प्लस वन से ज्यादा या माइनस वन से कम आ सकता है? नहीं सर, नहीं आ सकता, पर हमारा तो आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन हमने ली है वो गलत है। ठीक है, हमने जो अजम्पशंस ली है वो गलत है, तो कोई बात नहीं, गलत है तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, रिवर्स कर दीजिए। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन क्या है, एक्स ऑन वाई, और ये वाली इक्वेशन क्या है, वाई ऑन एक्स। हमसे पूछा गया था कि सर एक्स ऑन वाई कौन सी इक्वेशन है, बता दो एक्स ऑन वाई कौन सी इक्वेशन है भाई। सर एक्स ऑन वाई है 2x प्लस 3y, 3y माइनस 5, बोलो ये आंसर आ रहा है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 5, ये है सर एक्स ऑन वाई। एक बार बोल दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 तक, कोई डाउट? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -2, आर कितना है, -2 है, -0.2, ठीक है, देन कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये क्या होता है? तो सर इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, आर स्क्वायर, ये लो हो गया।
कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर है सर, तो क्या करें, कर दो सर आर स्क्वायर कर दो, तो 0.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.04, बस खत्म, इतना सही है क्या? कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन तो -0.2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0.04, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इफ द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज -0.9, तो अगेन कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताओ, सर फॉर्मूला है आर स्क्वायर, तो अगेन कर दीजिए 0.9 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 0.81, तो आंसर हो गया बी 0.81, ओके। तो ये फॉर्मूला अलग से लिख लेना, एक होता है कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स और एक होता है कोफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेंट, ये दोनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में साइड में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इफ आर इज 0.6 देन कोफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या है, ये लो आ गया, तो 1 - r² कर दो, ठीक है, ये बताया ना, एक होता है कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स और एक होता है नॉन डिटर्मिनेंट्स, तो क्या करना है 1 - r², तो यहां पे कर दीजिए 1 - 0.6 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 - 0.36, तो कितना आता है 0.64, तो आंसर हो जाएगा डी 0.64, ओके। बताइए एक बार, क्वेश्चन नंबर 19 तक क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 19 तक क्लियर है, ओके क्लियर है, तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन प्रोबेबल एरर इज 0.2 एंड द नंबर ऑफ पेयर ऑफ आइटम इज 9। अब प्रोबेबल एरर हमारा पढ़ा हुआ है ना, यस, क्या था प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला, मैं यहां लिख देता हूं सर, PE इक्वल्स टू था 0.6745 इंटू 1 - r² और रूट एन, ये था फॉर्मूला, यस। एक चीज मैंने आपको और कही थी कि अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो आप 0.6745 की जगह 2/3 भी ले सकते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम 2/3 लेके करेंगे तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, देखिए करके देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, PE की जगह मैं सीधी वैल्यू पुट कर दूं, यस, कितना 0.20, यहां पे लिख देता हूं 2/3 इंटू कर देता हूं 1 - r², क्योंकि r तो मुझे पता नहीं है, वो तो निकालना है, और नीचे कर देता हूं √9, ओके ठीक है सर, 0.20 2/3 1 - r² / 3, ठीक है, एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ती है ना प्रैक्टिस के टाइम पे, तो लिख लिया करो, कोई जल्दबाजी मत किया करो कि हम इसको शॉर्टकट मारने की कोशिश करें, ठीक है, ओके। नाउ आगे देखिएगा, ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सर 0.20 अपनी जगह, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 1 से सॉरी 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 2 आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई किया r² से, तो क्या 2r² आ गए, यस, और अपॉन में कितना आ गया बेटा 9, बताना एक बार, ठीक है, ओके, यस। अब सर 9 आ गया, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.2 से, तो ये आ जाएगा 1.8 और इक्वल्स टू 2 - 2r², चेक करो, बिल्कुल आसानी से हो रहा है, यस, साइड चेंज करेंगे, 1.8 अपनी जगह रहेगा, 2 इधर ले आओ, तो माइनस का 2 हो जाएगा और इधर बचेगा -2r², ओके ठीक है सर, यहां पे आया माइनस का 0.2 इक्वल्स टू 2r², माइनस माइनस दोनों का काट दीजिए, माइनस माइनस दोनों का क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, तो सर आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0.2/2, देखो सही है, आर स्क्वायर के साथ 2 है तो 2 को उधर डिवाइड कर दीजिए, तो 0.2/2 आ जाएगा, तो r² आ जाएगा 0.10, पर हमें r² थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए r, तो r का
वैल्यू निकालने के लिए हम इसका अंडर रूट कर देते हैं। अब बता देना इसका अंडर रूट कितना आता है। तो 0.10 का अंडर रूट ये आता है सर 0.316। चेक करो 0.316, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी 0.316। बोलो जी, क्लियर है? ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा बताओ। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तीनों के साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो दूसरा भी क्या होएगा सर, पॉजिटिव ही होएगा ना। यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 भी यही है। इफ बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो आर क्या होगा सर, आर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सेम साइंस होते हैं। आप मैथमेटिकली नहीं कहेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट किया तो प्लस हो गया, नो, सेम साइन होते हैं तो नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर बोलना एक बार, 22 तक क्लियर है क्या? देखना बेटा 22 तक क्लियर है क्या, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है, देखो अपन तो क्लास में करवा रहे हैं, जो कोई वीडियो देख रहा होगा, तो अगर आपको करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखिए, चीजों को समझिए, फिर आगे बढ़िए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए। वेयर आर इज जीरो, आर अगर जीरो है तो रिग्रेशन लाइन कट करेगी एक दूसरे को, ओके, और जब कट करेगी तो कौन सा एंगल बनेगा बताइए जी। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती है तो कौन सा एंगल बनेगा? देखो जी, ऐसा मानिए ये है तो ये एक्स है, ये वाई है, ये ओ है, ठीक है। आर जीरो है और ये दोनों अगर कट करते हैं तो एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री पे होगा, पैरेलल रहेगा तभी तो कट करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। द लाइन वाई इक्वल्स टू, द लाइन वाई इक्वल्स टू 13 - 3x/2 इज रिग्रेशन इक्वेशन, बताओ। हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं सारे क्वेश्चन कर करके और ये हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। ये इक्वेशन क्या निकालने के काम आ रही है, एक्स या वाई? सर ये वाई निकालने के काम आ रही है, तो वाई निकालने के लिए इक्वेशन काम आ रही है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, वाई और एक्स है, सिंपल। चलिए सर, कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत है नहीं। 25 कह रहा है सर x इक्वल्स टू 31/6 - y/6 इज रिग्रेशन इक्वेशन। लो जी बताओ, ये इक्वेशन क्या निकालने को काम आएगी, x निकालने को, तो कौन सी इक्वेशन है ये, x ऑन y, बताओ। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। अभी किया था अपन ने 26, एक क्वेश्चन किया था अपन ने, कौन सा किया था, 15, क्वेश्चन नंबर 15 किया था हमने, और ये सेम उसी की कॉपी है, सेम एज 15, टोटली सेम 15 की कॉपी है। हमें इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि एक्स बताओ और वाई बताओ, एक्स बार वाई बार पूछा है, बताइए। बताने की जरूरत है क्या मेरे को इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि सीधा 15 की कॉपी है, ठीक है, 15 की कॉपी है ये, डन। ओके, एक सेकेंड, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं तो आप सोल्व करके देख लेना, और आंसर अगर मैच नहीं होता है तो फिर मुझसे पूछ लेना। तो आंसर लिख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन को इक्वल करना है और इक्वल करके दोनों इक्वेशन को कट ऑफ कर देना है, तो आंसर निकल के आ जाएगा। बोलिए, मैं करवाऊं या कर लोगे क्वेश्चन, मैं करवाऊं या कर लोगे? आंसर इसका बता देता हूं मैं, सी रहेगा 2 और 1, तो कर लेना, मैच कर लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना फिर, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए।
ये कह रहा है फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशन आर गिवन एज 7x प्लस माइनस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस इक्वल 11 इक्वल्स टू 0. आफ्टर फाइंडिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई कंप्यूट करना है आपको कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. पहली बात तो भैया ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये हमें कह रहा है कि आप अर्थमेटिक मीन निकालो पहले और उसके बाद बताओ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कितना है. क्यों निकालें भाई, हम बेवकूफ़ हैं जो हम एक्स और वाई निकालेंगे. भैया कोई रिटर्न क्वेश्चन तो है नहीं, रिटर्न क्वेश्चन होता तो हम सोचते इसके भी नंबर मिलेंगे. ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में जब मुझे फाइनली इसका एमसीक्यू टिक करना है, ठीक है, मुझे जब आर बताना है पी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मुझे जब ये बताना है तो मैं क्यों निकालूंगा भैया फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन क्यों निकालूंगा, किसी मतलब का नहीं है. ठीक है, तो ये हम, ये भी मैंने अभी आपको सेम क्वेश्चन करवाया है कि आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है. ठीक है, वो इक्वेशन लेने के बाद में आपको देखना है आर निकालना है, आर की वैल्यू प्लस वन से लेके माइनस वन के बीच में आनी चाहिए. अगर वैल्यू प्लस वन से माइनस वन के बीच में आती है तब तो आपका अजम्पशन सही है और आर की वैल्यू सही है. ठीक है, अगर प्लस वन से माइनस वन के बीच में नहीं आती है तो आपके अजम्पशन गलत है और आर की वैल्यू भी गलत है, फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा. ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, बता दीजिए या मैं करवाऊं, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन भी मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले करवा चुका हूँ, मान के करना, और रेगुलर क्लास में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ. ओके, आंसर मैं इसका बता देता हूँ, 0.7638 आएगा आंसर इसका, आएगा 0.7638. तो आप कर लेना और ट्राई कर लेना, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन बार बार क्लास में करवाने का कोई मतलब है नहीं. फिर भी दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली मैं करवा दूंगा आपको. ओके, डन. लास्ट क्वेश्चन देखिए 28. तो भैया 28 क्वेश्चन गलत है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें फिगर्स गड़बड़ है. फिगर गड़बड़ होने का मतलब क्या है कि जो फिगर दे रखी है उसके हिसाब से ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस दे रखे हैं उसके हिसाब से फिगर नहीं है. तो इसमें हमें आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आता है 17. इसका आंसर क्या आएगा, 17. जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से आंसर आएगा 17, जबकि ऑप्शन में 17 है ही नहीं. ठीक है, तो आप चाहें तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और चाहें तो करके देख लीजिए, अगर 17 आता है तो आपका आंसर सही है, हालांकि ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ऑप्शंस गलत है. ठीक है, मे बी फिगर गलत हो, मे बी ऑप्शंस गलत हो, क्योंकि देखो आप तो, मैं थोड़ा सा हिंट भी देता हूं. यहां देखिए, इसका मीन 80 है, इसका मीन 8 है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है यहाँ पे. ठीक है, तो जो भी है हमें कोई मतलब नहीं है, तो या तो 28 छोड़ दीजिए आप और करते हैं और आपका आंसर 17 आता है तो ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. ओके बेटा, चलिए, तो ये थे आपके रिग्रेशन के एमसीक्यूज. अगर कोई डाउट आता है तो कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर देना. ठीक है, अच्छा एक चीज जरूर ध्यान रहे, जो क्वेश्चन मैंने ज्यादा तो नहीं दिए, दो ही क्वेश्चन आपको करने को दिए 26 27, पर इट डजंट मीन कि अगर मैंने आपको करने को दे दिए तो आप बोले कि ठीक है छोड़ो अब क्या करना है. करना जरूर है, आप इनको अभी के अभी ही कर लेना, बाद में नहीं होगा. ठीक है, बाद में बाद ही हो जाता है, तो बाद के भरोसे ना रहे और अभी इसको कर लीजिए. राइट, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू. और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे के लेक्चर्स के वीडियो भी आपको मिल जाए. थैंक यू.